नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी की 6 विभूतियों को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। इसमें 126 साल के बाबा शिवानंद भी शामिल हैं। बाबा की उम्र सुनकर आपको हैरानी जरूर होगी, लेकिन बाबा के पास इसके पुख्ता दस्तावेज भी हैं। इस उम्र में भी बाबा पूरी तरह से फिट हैं और उनकी इस फिटनेस का राज है योग। इसी योग के लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। पद्मश्री अवार्ड की खुशी ने जब बाबा के छोटे से घर पर दस्तक दी तो बाबा ही नहीं उनके भक्त भी झूम उठे। अवार्ड की घोषणा के बाद लगातार उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बाबा शिवानंद ने बताया कि सरकार के इस सम्मान से योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए हर दिन योग करना चाहिए। योग में वो ताकत है जिससे कोरोना महामारी जैसी विपरीत समय में भी लोग खुद को निरोग रख पाए। 126 साल के बाबा शिवानंद सिर्फ उबले भोजन का सेवन करते हैं। बाबा हर दिन भोर में 3 बजे उठते हैं। सुबह उठने के बाद बाबा 1 घंटे योग करते हैं। उसके बाद पूजा पाठ के बाबा के दिन की शुरुआत होती है। शिवानंद बाबा के शिष्यों ने बताया कि वो फल दूध का सेवन भी नहीं करते हैं। बाबा के पास उनकी उम्र का प्रमाण भी है। आधार और पासपोर्ट पर उनकी जन्मतिथि 8 अगस्त 1896 दर्ज है, जिसके हिसाब से वर्तमान में बाबा की उम्र 126 साल है। इस हिसाब से ये दावा किया जा रहा है कि बाबा दुनिया में सबसे बुजुर्ग इंसान हैं। तो दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी बात बताई है बाबा शिवानंद जी ने कि योग से आदमी उम्र बढ़ती है, योग से आदमी स्वस्थ होता है और लंबी आयु प्राप्त करता है, और हमें योग करना चाहिए। इस वीडियो को देखकर आपके मन में क्या कमेंट्स उठते हैं, हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।